हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलाहाबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुश आमदीद बच्चों, अलाहाबाद हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवीं जमात के सरसरी मुताले से तीसरा सबक, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह पर मुबनी है। पहचानते हैं आप लोग मोहम्मद कुली कुतुब शाह को ना? हैदराबाद की बानी है वो, चार मीनार, गोलकुंडा वगैरह उन्हीं की यादगारें उन्होंने ही बनवाई थी। चलिए उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ये मज़मून शुरू करें। आज से 400 साल कबल दक्कन में एक ख़ानदान हुकूमत करता था जिसका नाम था कुतुब शाही ख़ानदान। इस ख़ानदान का बानी सुल्तान कुली था। कुतुब शाही ख़ानदान में 7 बादशाह गुजरे हैं। 5वें बादशाह का नाम सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 14 अप्रैल सन 1565 मुताबिक ईस्वी मुताबिक 14 रमज़ान 1973 हिजरी बरोज़ जुमा पैदा हुआ। इस शहज़ादे की पैदाइश की मसरत में मुसलसिल कई दिन तक जश्न मनाया गया। गरीबों और फ़कीरों में खैरात तकसीम की गई। मोहम्मद कुली की तालीम और तरबियत पर बड़ी तवज्जो दी गई। इसने ख़ुद अपने कलाम में अपने इल्म व फजल पर नाज किया। कहता है, ना लिख सकेगा किने शराह मंज किताबा का, ना लिख सकेगा किने शराह कंज किताबा का, हमारा इल्म है सब आलमा में जीवन एजाज। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो तस्वीरें दस्तियाब हुई हैं उन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि वो एक खूबरू जवान राना और वजाहत में बेमिसल था। वो मजबूत और छरेरे बदन का मालिक था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 18 साल की उम्र में शादी की थी। दक्कन की तारीखों में लिखा है कि एक महीने तक इस मसरत में रात दिन जश्न मनाए गए और दावतें होती रहीं। शाही महलात को बड़ी खूबसूरती से आरास्ता किया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की औलाद में सिर्फ एक लड़की थी जिसका नाम हयात बख्श बेगम था। हयात बख्श बेगम एक लायक और मुदब्बिर खातून थीं। हुकूमत के सियासी मामलात में ये राय मशवरे दिया करती थीं। इन्होंने कई मस्जिदें और महल तामीर कराए और अपनी यादगार के तौर पर हयात नगर भी आबाद किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ज़माना वो ज़माना है जबकि इंग्लिस्तान में मलके अलजबत की हुकूमत थी और हिंदुस्तान में शहनशाह अकबर हुकूमत कर रहा था। दौलत और सरवत में कुतुब शाही सल्तनत मुग़लों से कम न थी। इस वक्त गोलकुंडा हीरों का शहर कहलाता था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह बड़ा ही बहादुर, समझदार और इरादे का पक्का था। इसके दौरे हुकूमत में मुल्क में अमन ही अमन था, जिसकी वजह से इसे दिल खोल कर रियाया के काम करने का मौका मिला। इसने रियाया के सारे टैक्स माफ़ कर दिए। मोहम्मद कुली एक अमन पसंद और रहम दिल बादशाह था। जंग में किसी इलाके को फतह करने के बाद मोहम्मद कुली ने किलों, इमारतों या शहरों को तबाह नहीं किया। वो इतना रहम दिल था कि अपने दौर हुकूमत में कभी किसी को कत्ल का हुक्म नहीं दिया। बादशाह की दाद और दहश का ये आलम था कि जब कोई हाजतमंद इसके दरबार में पहुंचता तो खाली हाथ वापस न जाता। रियाया में जब किसी के यहाँ शादी होती तो शादी ब्याह का सारा खर्चा शाह खजाने से दिया जाता था। बैरूनी ममालिक से आए हुए लोग जब अपने वतन वापस जाते तो सफ़र खर्च दिया जाता था। मोहम्मद कुली बड़ा आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने दाद महल नाम से एक महल तामीर किया था जिसके दरवाज़े गरीबों और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे। यहाँ मज़लूम और आफत ज़दा लोग बिला रोक टोक बादशाह से अपना हाल बयान कर सकते थे। मोहम्मद कुली को फ़न तामीर से बड़ी दिलचस्पी थी। उसके ज़माने में कई मस्जिदें बनाई गईं, मदरसे, मोहताज खाने और शिफा खाने क़ायम किए गए। मुसाफिरों और राहगीरों के आराम के लिए सरायें और बादलियाँ बनाई गईं, लंगर जारी किए गए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने रोद मूसा के किनारे एक नया शहर बसाया। इसको हज़रत अली मुर्तज़ा करार बेहद अकीदत थी इसको हज़रत अली मुर्तज़ा करार से बेहद अकीदत थी। इस नस्बत से इस शहर का नाम हैदराबाद था। हैदराबाद में इसने कई खूबसूरत महल और इमारतें तामीर करवाईं, जिनमें से एक कारवान सराय, दारुशिफा, चार कमाने, गुलजार हाउस और दीगर कई इमारतें कुतुब शाही अहद की याद दिलाती हैं। चार मीनार एक दीदा जेब इमारत है जो कल्ब शहर में वाक़ है।
इस सल्तनत की तामीर ऐसे हाथों से हुई जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे। वो इस सरजमीन में ऐसे बस गए कि बिल्कुल दखनी हो गए। इन्होंने यहाँ की माशरत, रहन सहन के तरीक़ों और लिबास को अपनाया और यहाँ एक मिली जुली तहजीब की दाग बिल डाली। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को फ़न तामीर के अलावा शेर व सुखन से भी बड़ा लगाव था। वो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर था। इसने उर्दू के अलावा तेलुगू में भी शायरी की। तेलुगू में इसने अपना तखल्लुस तर्कमान रखा, लेकिन अब इसका तेलुगू कलाम दस्तियाब नहीं। मोहम्मद कुली एक मुहब वतन और कौम परस्त शायर था। इसको दक्कन के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत थी। इसकी शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब और माशरत की भरपूर अक्कासी मिलती है। इसने यहाँ के मौसमों और रस्म व रिवाज पर खूबसूरत नज़में लिखीं। ये अजीब इत्तेफाक है कि शिमाली हिंद में मुग़ल बादशाह अकबर आज़म जिस वक्त मजहबी एगानिगत पैदा करने की कोशिश कर रहा था, ठीक इसी वक्त दक्कन में मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौमी यकजहती को फ़रोग दे रहा था। इसने शायरी में जहाँ अपने मजहबी ख्यालात का इजहार किया है, वहाँ हिंदुस्तानी मजहबों के तौर तरीक़ों का भी जिक्र किया है। मसलन आरती, सिंदूर, कदम, कस्तूर और कुमकुम जो खालिस हिंदुस्तानी चीज़ें हैं, मोहम्मद कुली की शायरी में हिंदुस्तानी मौसमी कैफियत। यहाँ के रस्म व रिवाज, रहन सहन के तरीक़े, यहाँ के परिंदों, जानवरों और फूलों की खूबसूरत तस्वीरें मौजूद हैं। वो ईरान के परिंदों के बजाय खंजन, श्यामा, कोयल, चकोर, ममोले, मोर, हंस, पपिया, यहाँ तक के जुगनू, कोय, मेंढक, बेर, बबूटी का भी जिक्र करता है। हिंदुस्तानी औरतें और मर्द पान के शौकीन होते हैं। ईद, जश्न और शादी के मौके पर पान के बीड़े तकसीम किए जाते हैं। मोहम्मद कुली ने पान खाकर होंठों को सुर्ख बनाने की बात कही है। बसंत हिंदुस्तान का एक त्यौहार है जिसमें बहार की आमद का इस्तेमाल किया जाता है। मर्ग, बारिश के आगाज़ को कहते हैं। ये खालिस हिंदुस्तानी त्यौहार है। मोहम्मद कुली ने इस मौजू पर भी बड़े अच्छे शेर कहे हैं। खेल तमाशों का भी जहां जिक्र किया है, वहां हिंदुस्तानी खेल ही पेश किए हैं। बाजीगर, नेट, साज बजाने वाले, कोलानत खेलने वाले, नाटक खेलने वाले, इन तमाम का जिक्र किया है। मोहम्मद कुली शिया मज़हब का पैरू था, लेकिन कुतुब शाही सलातीन बड़े वसीउ नज़र और कुशादा खल्ब थे। कुतुब शाही बादशाहों का इम्तियाज़ है कि इनमें किसी किस्म की मजहबी तंग नज़री नहीं थी। मुहर्रम से तमाम रसूम इसी बादशाह के ज़माने में जारी हुए थे। अपने नए पाए तख्त में जो पहली मुक़दस इमारत तामीर करवाई, वो बादशाही आशुरखाना था। मोहम्मद कुली की शख्सियत बड़ी मतनू थी। इसको शायरी के अलावा खुश खती का भी बड़ा शौक़ था। चुनाचे हैदराबाद की इमारतों में हमें खताती के नमूने नज़र आते हैं। आखिरी आयाम में अपने भाई की बदसलूकी की वजह से मोहम्मद कुली को बहुत सदमा पहुंचा और सेहत ख़राब हो गई, जो इसकी मौत का बायस हुई। कुतुब शाही बादशाहों के मकबरे चार मीनार से तकरीबन 5 मील के फासले पर बजाने मगरब वाक़े हैं। ये मकबरे गुंबदों की शक्ल में बनाए गए हैं और कुतुब शाही तर्ज के बेहतरीन नमूने समझे जाते हैं। कुतुब शाही मकबरों में सबसे आलीशान मकबरा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है, जो इसने अपनी ज़िंदगी ही में अपने लिए बनवा लिया था। ये गुंबद एक बड़े चबूतरे पर बना है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की यादगार सालाना जश्न की सूरत में आज भी मनाई जाती। दक्कन के एक नामूर सपूत डॉक्टर सैयद मोहियुद्दीन खादरी जोर ने यौम में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के नाम से उर्दू और तेलुगू में अदबी और तहजीबी तकारीब मनाने की इब्तिदा की है। यहीं पर यह सबक ख़त्म होता है। हमें बहुत सारी मालूमात हासिल हुई कुली कुतुब शाह के बारे में। शुक्रिया।